नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके। कांग्रेस के प्रति पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक दिन जो जनता आज सड़क पर हिलोरे ले रही है, वह तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुसकर कब्जा कर लेंगी। दंगे प्रेमी कांग्रेसी लगता है ये भूल गए कि भारत की 140 करोड़ जनता ने ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों से कांग्रेस का सफाया किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलते हैं। नफरत फैलाने वालों को धूल चटाना भी अच्छे से जानते हैं। आप जिस जनता को बरगला रहे हैं, उसी जनता ने आपको चुनाव में हराकर घर में बिठा दिया है, क्योंकि वो भी आपके नापाक मंसूबे जानती है और उसे कभी पूरा नहीं होने देगी। यही फर्क है राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधियों में। उन्होंने कहा कि जो देश के लिए इतना बुरा सोचे वो देशद्रोही ही हो सकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करें। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उपजे विद्रोह के बीच मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ, अब भारत का नंबर है। पूर्व मंत्री के इस बयान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो इंदौर में मंगलवार को हुए कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का है। वीडियो में पूर्व मंत्री कह रहे हैं, 2 दिन से टीवी पर देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना, नरेंद्र मोदी जो जनता सड़क पर हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों के कारण तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। सज्जन के बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कहा, हमारे साथ और बाद में आजाद हुए देशों में लोकतंत्र की हालत क्या हो गई है, बांग्लादेश का घटनाक्रम सब जानते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, उसके बगल वाले श्रीलंका की हालत देखें। यह हालत इसलिए हो रही है क्योंकि वहां समाज में चेतना जागृत करने के लिए राष्ट्रवादी दलों का अभाव है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया, नाम सज्जन सोच दुर्जन, कांग्रेस के नफरती पूर्व मंत्री संजय सिंह। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।